राधे राधे फ्रेंड्स, मैं वर्षा फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमी क्रिएटिविटी में। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए बहुत ही सिंपल, क्विक और इजी सा डीआईवाई लेकर आती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक बॉटल आर्ट लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इस बॉटल आर्ट को मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, तो इसीलिए मैं इस बॉटल आर्ट में अपने कान्हा जी को बनाने वाली हूँ। तो चलिए, आज का हमारा ये कृष्णा बॉटल आर्ट बनाना हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो कृष्णा बॉटल आर्ट बनाने के लिए मैंने एक राउंड शेप की ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल ली है। आप यहाँ पर किसी भी शेप की ग्लास बॉटल का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस बॉटल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर जेसो अप्लाई करूंगी। अगर आपके पास जेसो अवेलेबल नहीं है तो आप जेसो की जगह पर व्हाइट एक्रेलिक कलर को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इस पर जेसो अप्लाई। फ्रेंड्स, आप जेसो या कलर जो भी अप्लाई करें, इसे स्पंज की हेल्प से ही बॉटल पर अप्लाई करें, जिससे बॉटल देखने में ज्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आप ब्रश से यहाँ पर जेसो अप्लाई करेंगी तो ब्रश के स्ट्रोक बॉटल्स पर दिखाई देने लगेंगे, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इसीलिए आप स्पंज की हेल्प से ही बॉटल पर जेसो अप्लाई करें। फ्रेंड्स, तो मैंने पूरी बॉटल पर जेसो अप्लाई कर दिया है। अब मैं इस बॉटल को कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए रख दूंगी। जब बॉटल कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी तो मैं इस बॉटल पर ऑरेंज कलर अप्लाई करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर बॉटल पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी बॉटल पर ऑरेंज कलर अप्लाई करने के बाद इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब मेरी बॉटल कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है, तो मैं इस पर कृष्ण आर्ट बनाना शुरू करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको स्केचिंग आती है तो आप डायरेक्ट भी बॉटल के सेंटर पर कृष्णा जी को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको स्केचिंग नहीं आती है तो आप कृष्णा जी का प्रिंट आउट निकाल कर उसे इस तरह से कट कर बॉटल के सेंटर पर रख के इसके आउटलाइन को पेन या पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आप जो कृष्णा जी की पेंटिंग को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उसके अंदर ब्लैक कलर को फिल कर देंगे। यहाँ पर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज करने वाली हूँ। आप यहाँ पर व्हाइट कलर भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और इस कृष्णा जी के दोनों तरफ में मोर पंख को भी स्केच करने वाली हूँ। तो चलिए, मैं अपने कृष्णा आर्ट को बनाना शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, तो मैंने कृष्णा बॉटल आर्ट बनाकर कंप्लीट कर लिया है। मैंने कृष्णा जी के स्केच के अंदर कलर फील करने के लिए 0 साइज ब्रश का यूज किया है। फ्रेंड्स, आप भी 0 पॉइंट ब्रश का ही यूज करें। साथ ही कान्हा जी के दोनों साइड पर जो मैंने मोर पंख के पैटर्न बनाए हैं, उन्हें भी 0 पॉइंट ब्रश से ही बनाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो मोर पंख जो मैंने बनाए हैं, वो नीचे की साइड में मैंने बड़े मोर पंख बनाए हैं और ऊपर की साइड पर मैंने छोटे मोर बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कृष्णा बॉटल आर्ट देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह अपनी घर में पड़ी किसी भी बेकार ग्लास की बॉटल पर कृष्णा आर्ट बनाकर अपने घर के किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारा कृष्णा बॉटल आर्ट अब डेकोरेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी मेरी तरह इस बॉटल में एक अच्छा सा फ्लावर बंच लगाकर इसे अपने घर के किसी भी कॉर्नर या सेंटर टेबल पर रखकर उसे डेकोरेट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का ये बॉटल आर्ट पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये कृष्णा बॉटल आर्ट पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे इस चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।